फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन पात्र। मेरे पास एक सैमसंग F12 की हैंडसेट है, तो जिस सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, ये F12, A12 और M12 भी होता है। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए तो यहाँ पर जो मैं पासवर्ड है पैटर्न है तो ये रॉन्ग बता रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर इनकरेक्ट पैटर्न ड्रॉ लिख रहा है। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, आपकी मोबाइल को यहाँ पर आपको हाइड सेट करना है, फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट के लिए आपको फ़ोन पहले फ़ोन को पावर ऑफ कर देना। तो यहाँ पर देखिए फ़ोन यहाँ पर पावर ऑफ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पैटर्न शो कर रहा है। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए तो एक सिंपल सा एक तरीका है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा एक तरीका है। तो यहाँ पर आपको देखिए, तो आपकी जो चार्जर की जो USB केबल है वो यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा, इसलिए आपकी जो कंप्यूटर के जो USB केबल है आप उससे आपको आपके फ़ोन को यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो कंप्यूटर USB केबल है तो आप उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए बोला प्लस माइनस और पावर बटन, तो तीनों की को सेम टाइम आपको प्रेस करना है। तो सेम टाइम प्रेस करने के बाद आपके फ़ोन एक बार वाइब्रेट हो जाएगा और उसके बाद आपके फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने कंप्यूटर जो USB केबल है मैंने उससे कनेक्ट करके फ़ोन को प्लस और माइनस और पावर की को बटन को प्रेस करके मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया। तो यहाँ पर देखिए स्विच ऑफ होने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी चार्जिंग भी शो कर रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम ऑफ बटन है आप उसको एक बार प्रेस करना है। उसके एक सेकंड या दो सेकंड के बाद, एक सेकंड के बाद आपको पावर बटन को प्रेस करना है। जब यहाँ पर ये सैमसंग का नोट आ जाएगा उसके बाद आपको पावर बटन को रिलीज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम प्लस बटन प्रेस किया, उसके बाद पावर बटन को प्रेस किया। ये देखिए सैमसंग आ गया है, उसके बाद आपको पावर बटन को रिलीज कर देना चाहिए। तो मैंने रिलीज कर लिया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ बटन को मैंने प्रेस करके ही रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी रिकवरी मोड का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद आपको केबल को यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर देखिए डिस्कनेक्ट करने का, तो यहाँ पर वॉल्यूम माइनस को यूज करके ले आना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको ले आना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। उसके बाद यह पावर बटन को प्रेस कीजिए, उसके फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम माइनस को की कीजिए फैक्ट्री डाटा रीसेट, उसके बाद पावर बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद देखिए आपके फ़ोन यहाँ पर फॉर्मेट हो चुका है रिबूट सिस्टम नाउ, तो पावर बटन को प्रेस कीजिए। उसके देखिए आपके फ़ोन रीसेट हो चुका है और यहाँ पर आपकी सैमसंग गैलेक्सी लोगो भी आ चुका है। उसके बाद आपको थोड़ी देर आपको वेट करना है, उसके बाद आपके फ़ोन ऑटोमेटिक न्यू सेटअप पे आ जाएगा और आपके जो पासवर्ड था वो रिमूव भी हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को अच्छा लगता है लाइक जरूर शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना है, ये अभी आगे जाएगा और यहाँ पर आपके न्यू सेटअप शो कर जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन, तो उसके बाद आपके न्यू सेटअप आ जाएगा। उसके देखिए यहाँ पर आपके सेटअप न्यू हो चुका है और यहाँ पर देखिए सेटअप नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर स्किप कर लेते हैं, डोंट कॉपी नेक्स्ट मोर एक्सेप्ट स्किप कर लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी किसी ब्लॉक नहीं चाहिए। उसका जस्ट सेकंड का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट कर लेते हैं, सैमसंग अकाउंट शो कर रहा है तो यहाँ पर स्किप कर लेते हैं, फिनिश। तो उसके बाद आपके फ़ोन यहाँ पर हार्ड सेट हो चुका है, फॉर्मेट भी हो चुका है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगे लाइक जरूर शेयर जरूर कीजिए। ये देखिए आपके फ़ोन यहाँ पर हार्ड सेट हो चुका है।
ये देखो।